हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। भारत में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, वो जब भी कुछ कहते हैं तो मीडिया उनकी बातों को काफी सीरियसली लेता है। उसमें से एक नाम है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह सर का। ये रिसेंटली NDTV के डिफेंस समिट में एज एन गेस्ट गए थे, जहां पे वो ये कह रहे थे कि भारत 24/7, कहने का मतलब है कि भारत हर वक्त युद्ध के लिए या युद्ध जैसे सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में राजनाथ सिंह सर ने और क्या कहा। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये है वो इवेंट जहां पे राजनाथ सिंह सर पार्टिसिपेट किए थे और इनका जो कहने का इशारा था वो चाइना की तरफ था। वैसे तो भारत और चाइना के बीच में रिलेशंस खराब ही रहते हैं, लेकिन खास करके 15 जून 2020 के बाद यानी गलवान वैली क्लैश के बाद रिलेशंस और खराब हो गए। इसके हमें इशारे तब से मिलने शुरू हो गए थे जब से चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बनते हैं और उनका ओवर एग्रेसिव बिहेवियर, और शायद शी जिनपिंग का जो ओवर एग्रेसिव बिहेवियर है वो कुछ हद तक अच्छा भी है। अब कहने का क्या मतलब है, तो इससे हमें एक मौका मिल रहा है जहां पे हम अपने डिफेंस रिलेटेड मैटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, साथ में हम अपने देश में ही अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन अ वे हम कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि शायद जो हुआ था वो अच्छा हुआ था और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। वैसे तो कोई भी देश अपने डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जानकारी को बहुत ज्यादा खुल के उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, जो कि किसी भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को समझ में आ सकता है या आ जाना चाहिए कि कभी भी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होता है उसके बारे में खुल के बात ना किया जाए। क्योंकि चाइना और भारत के बीच में जो रिलेशंस है वो बीते कुछ सालों में बेहद खराब हुए हैं, तो इससे हमें एक मौका मिला है कि वैसे कंट्रीज के साथ हम कोलैबोरेट करें जिसका कि रिलेशन जो है वो चाइना के साथ अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बीते कुछ सालों में US भारत के क्लोज आया है। इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि हम US के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लें, लेकिन जो सिचुएशन हुआ है, जो समय आया है, उसका हम बेनिफिट लें। कहने का मतलब है कि जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको हम और बढ़ चढ़ कर प्रमोट करें, और जो भी अमेरिकन कंपनीज या और भी जो वेस्टर्न कंपनीज हैं उनको भारत में हम इनवाइट करें, और भारत के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको प्रमोट करें, ताकि जब दोनों देशों के कंपनीज साथ मिलके बैठ के जब काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भारतीय लोग हैं उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। अब समय दर समय लद्दाख के ईस्टर्न रीजन को और अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता हुआ आया है कि ये सब सारे टेरिटरीज उनके हैं, और ऐसे मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अभी भी जो लद्दाख के जो रीजन है, जो कि LAC रीजन है चाइना और भारत के बीच में, वहां पे सिचुएशन इतने अच्छे नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का वजह है कि 20 राउंड्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस हो चुके हैं कोर कमांडर लेवल का चाइना और भारत के बीच में, लेकिन अभी भी ऐसा दिख नहीं रहा कि जो टेंशन है भारत और चाइना के बीच में वो खत्म हो रहा है। और इसके अलावा भी हमारे डॉक्टर जयशंकर सर अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए आए हैं कि चाइना जो अग्रीमेंट हुआ है भारत और चाइना के बीच में रिगार्डिंग LAC को, उसको चाइना फॉलो नहीं कर रहा है, और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब 1962 में जब भारत और चाइना के बीच में जंग हुआ था, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जो उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो इनसेंसिटिव थे, लेकिन ठीक है, गलतियां होती है। अब बार बार हम पास्ट में जाके हम अगर दूसरे को अगर अब्यूज करते रहेंगे तो जो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर है उसको हम खराब करेंगे। तो उस वक्त भी जो भारत था वो इतना कमजोर नहीं था कि वो जंग हार जाता, लेकिन ऐसा लगता है पढ़ के कि जो प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन था, कम्युनिकेशन था, उसका गैप था। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम वो जंग हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। उसी चीज को दोहराते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि भारत अब कोई कमजोर देश नहीं है जिसके ऊपर कोई भी आके अटैक कर देगा। अगर कोई अटैक करता है तो भारत के पास इतना क्षमता है कि वो उस अटैक का प्रॉपर जवाब देगा। अब पर्सनली मैं आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है इससे मैं काफी इन्फ्लुएंस्ड हूँ, लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है या दिखता है वो ये है कि अगर सपोज दैट प्रेजेंट गवर्नमेंट का कुछ ऐसा इनिशिएटिव है जो कि काफी अच्छा है, और अगले चुनाव में अगर वो सरकार रिपीट नहीं होते हैं तो जो आने वाला सरकार होता है वो पिछले सरकार का जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसको वो कैंसिल कर देता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो डेवलपमेंट भी रुक जाता है, और जो कंपनीज बाहर से आए होते हैं वो भी फिर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं भारत में दोबारा आने के लिए। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उस इंडस्ट्री में भारत का नेगेटिव इंप्रेशन, इंपैक्ट पड़ता है। और उसके बाद क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है जहां पे किसी भी सरकार को अलग अलग चीजों में पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया
या और भी अलग अलग सेक्टर्स में इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। तो जब आप इन सब चीजों को अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार के पास भी बहुत बजट होते नहीं है किसी भी एक सेक्टर में खूब पैसे डालने के लिए। कहने का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 10 सेक्टर्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इन अवे चीज जितना आसान दिखता है दूर से उतना आसान होता नहीं है। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं जहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टॉप 10 दुनिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में टॉप सिक्स तो यूएस का ही है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद रशिया है। यूएस के फॉरेन पॉलिसी का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यूएस सऊदी अरेबिया के साथ अपने फॉरेन रिलेशंस को अच्छा करता है तो यूएस उस देश को डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बेचता है। आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया हाईली डिपेंडेंट है डिफेंस रिलेटेड मैटर के लिए यूएस के ऊपर। तो कभी भी आप सोचिए इस चीज को कि क्या कभी यूएस चाहेगा कि इस दुनिया में वॉर ना हो। अगर ये सब कंपनीज अगर यूएस की है तो जो भी जो बेनिफिट्स हो रहे हैं या जो भी ये कंपनीज रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका जो शेयर्स है वो यूएस गवर्नमेंट को मिल ही रहा है, चाहे वो चाइना हो गया चाहे वो रशिया हो गया। तो अगर आप थोड़े से खुले दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों दुनिया में कहीं पे भी अगर वॉर होता है तो यूएस वहां पे कूद जाता है, क्योंकि यूएस को एक मौका मिल जाता है अपने मिसाइल्स वगैरह बेचने के लिए। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि सपोज दैट अगर मैं एग्जाम्पल लू बोइंग का, सपोज करता हूँ कि ये किसी रेडार सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो इनको भी एक लाइव ग्राउंड मिल जाता है, वॉर सिचुएशन मिल जाता है जहां पे वो अपने उस लेटेस्ट वेपन को टेस्ट कर सके। तो आप इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि जब भी कोई कहीं पे वॉर होता है तो वहां पे यूएस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज का पार्टिसिपेशन डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। वैसे तो वॉर में पार्टिसिपेट करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को समझिए कि अगर कोई देश या हमारे आसपास के कुछ ऐसे देश है जो अपने डिफेंस में खूब पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस रेस में पिछड़ जाएंगे और हम इतने पिछड़ जाएंगे कि हमको लोग डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि वो अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ चढ़ के प्रमोट करें और जितना ज्यादा हो सके अपने डिफेंस रिलेटेड मैटर या टेक्नोलॉजीज को भारत में ही डेवलप डिजाइन करें ताकि जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो दूसरे देशों के ऊपर। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।